Hello guys, welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfab.in। लगातार दो दिनों से भारतीय बाजारों में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रही है और जियो पोलिटिकल टेंशन भी है, उसके बावजूद ज़बरदस्त तेजी। कल वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि साइक्लोन, जैसे कि आपने न्यूज़ में देखा ही होगा, और जो लेकिन हमने फ्राइडे को एनालिसिस किया था तभी हमने एक पैटर्न को आइडेंटिफाई किया था, राइजिंग डबल बॉटम पैटर्न, जो कि ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। ये फ्राइडे का आर्ली चार्ट यानी 60 मिनट का चार्ट कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। ये ऊपर आप डेट देख सकते हैं यहाँ पर 14th मई। तो यहाँ पर अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने डबल बॉटम पैटर्न को आइडेंटिफाई किया था। तो जब भी ये आता है तब देखा गया मोस्ट ऑफ द टाइम कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलता है और एक जंप अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। तो अभी लास्ट दो दिन का अगर हम चार्ट देखें तो यहाँ पर ज़बरदस्त गज़ब की तेज़ी, करीब करीब 300 साढ़े 300 पॉइंट की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर ये जो पैटर्न है, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, जिसने हमारा ये कोर्स किया होगा वो होप्स हो ये पैटर्न को आइडेंटिफाई किया होगा और अच्छा प्रॉफिट भी कमाया होगा। तो इस कोर्स को करने के लिए अगर आपको और डिटेल्स जानने हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, इसके लिए एक बार डेली चार्ट को भी एनालिसिस कर लेते हैं। ये डेली चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का। जैसे कि फ्राइडे के एनालिसिस के वीडियो में हमने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था कि ये जो अपसाइड मूव आया है इसके बाद ये कहाँ तक रिट्रेस हो सकता है। तो 61.8% के लेवल के पास से इसने ये बाउंस बैक दिखाया। तो कल का वीडियो नहीं आ पाया, नहीं तो कल ही हम आप को यहाँ पर ये फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ करके दिखा सकते थे कि अभी 61.8% का लेवल यहाँ पर मंडे को अचीव हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट जो लेवल होगा रेजिस्टेंस का वो 100% यानी 15,150 के आसपास होगा। तो आज ऑलमोस्ट यहाँ पर इसने, निफ्टी इंडेक्स ने ये लेवल भी ऑलमोस्ट अचीव कर लिया, लेकिन यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो चुका है, ठीक है। और 15,000 एक साइकोलॉजिकल बैरियर का लेवल भी मान के चल सकते हैं कि हो सकता है यहाँ पर अभी इतनी सडन अपसाइड मूव, दो दिन में करीब करीब लगभग 400 पॉइंट के आसपास ये जंप है। तो हो सकता है कल हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, वीकली एक्सपायरी भी आ रहा है। तो यहाँ पर इस लेवल के ऊपर अगर 15,150 के ऊपर अगर सस्टेन करें तो हम यहाँ से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं पोजिशन, अदरवाइज यहाँ पर हो सकता है एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिले। तो ये डेली चार्ट का सीनरी है। अभी चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, कल के लिए देखते हैं क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं। अभी ये RSI और प्राइस एक्शन को देखें तो अभी देखिए ये ओवर बॉट जोन में है। तो जब भी ओवर बॉट जोन में आता है RSI यानी 70 to 100 इस जोन में जब भी आता है तो ऊपर प्राइस एक्शन में देखिए एक फॉल आता है, ठीक है, ये एक फॉल आता है। तो अभी हो सकता है यहाँ पर भी एक फॉल आए, लेकिन उसके लिए ब्रेकडाउन लेवल क्या होना चाहिए वो आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये प्रोबेबिलिटीज़ है, जब जब ऐसा देखा जाता है 70 to 100 तो ऊपर एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न आने के चांसेस होते हैं। तो जब तक सिग्नल ना मिले, डाउनवर्ड सिग्नल ना मिले, तब तक यहाँ से शॉर्ट करना भी रिस्की हो सकता है क्योंकि ओवरबॉट एक्सट्रीम ओवरबॉट भी हो सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रहना चाहिए। अभी कल के लिए हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा ये लेवल यानी अराउंड 15,125 के ऊपर, अगर पकड़ ले हम 15,135-138 तो इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करें तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 15,161, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 15,185, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो आज का लोएस्ट क्लोजिंग लेवल यानी 15,068 ये हमारा हो सकता है ब्रेकडाउन लेवल। इसके नीचे आए तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा एक छोटा सा 15,051, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 15,028, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स है कल के लिए। अगर हम इस लो और इस स्विंग हाई को मान के चले और अगर हम यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ करें आर्ली चार्ट में तो हो सकता है निफ्टी 15,000 को एक बार एज अ सपोर्ट टेस्ट करे और फिर बाउंस बैक करे, ठीक है। तब तक ये 20 EMA भी यहाँ तक आ जाएगा। तो 20 EMA को ये इस तरह से ऐसे यहाँ पर सपोर्ट
टेस्ट करे और फिर एक बाउंस बैक दिखाए। तो वेट एंड वॉच करना होगा। जियोपॉलिटिकल टेंशंस के ऊपर भी नज़र बनाए रखनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई बैड न्यूज़ या फिर अच्छी न्यूज़ आती है तो उस तरह से मार्केट यहाँ पर रिएक्ट कर सकता है। तो ये निफ्टी के लेवल्स थे, अभी बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम RSI और प्राइस एक्शन को हम एनालिसिस करें तो ओवरबॉट जोन में है, तो यानी कि हमारा कल के लिए यहाँ पर ब्रेकआउट लेवल बन सकता है 34,152, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। इसके ऊपर अगर सस्टेन करें तो ही इंट्राडे के लिए बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 34,270, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 34,385, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूअर्ड साउथ की तरफ आता है तो आज जहाँ से ये बाउंस बैक हुआ है फिर से, यानी 33,724, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा, यानी आज का हाई और लो हमारा ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकडाउन लेवल एज हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 33,640, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 33,551, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।